थोड़ा टाइट है मटर और मैं बनाऊंगी। नहीं खोलने दो, कटोरी नहीं खाने है। देखिए इधर कटोरी क्या हो गई, आधा है आधे। हां क्या कर रही हो पापा जी? हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देखिए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और धूप जा चुकी है। मौसम मतलब शाम होने वाली है, तो देखिए। शाम होने वाली है और मैं करूँगी आज का ब्लॉग शूट। तो चलिए, ब्लॉग में हम आपको क्या दिखा। देखिए, हमारा ये दूसरा रूम, ये आरू की साइकिल खड़ी है, ये डॉल पिचकी हुई है, ये खिलौने हैं आरू के, ये डक पड़ी हुई है। और देखिए, हमारी आरू सो गई, उठ गई है, निपल से दूध पी लिया है। उठ गई आरू? हाँ, आरू सो गई थी, मम्मा ने सुला दिया था। आरू बेटा, उठोगी नहीं? उठ जाओ। देखो, हमारी आरू सो रही थी चादर ओढ़ के, और अब पूरे कपड़े पहन लो, शाम हो गई। आरू पहनोगी पूरे कपड़े? अली वाह, मेरी आरू उठ गई। अली अली, चलो उठ जाओ बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। अली उठ गई, उठ गई उठ गई। देखो, चोटी भी खराब हो गई आरू की हमारी। चलो, मम्मा आज कुछ बनाएगी आरू के लिए। और देखिए बाहर का नज़ारा, कितने हरे भरे पेड़ हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पेड़ों पे बैठी हैं छोटी छोटी चिड़ियाँ। और देखिए, आरू हमारी इधर खड़ी हो जाती है, इसी वजह से हमने इसमें रस्सी बांध के रखी है। आरू का गिरने का डर रहता है, पर अभी भी इसका डर रहता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है आरू का। गाड़ी खड़ी है? हाँ, गाड़ी तो बहुत सारी खड़ी है, देखो इधर खड़ी है, इधर खड़ी है। चिड़िया चू चू चिड़िया चू 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 कर देंगे, देखो। हाँ, हम रहते हैं ऊपर और हम आपको दिखा रहे हैं नीचे का नज़ारा। और इधर आरू खड़ी है, इधर बच्चों को देखती रहती है, बच्चे इस प्लाट में खेलते हैं तो आरू देखती रहती है उनको, है। और ये देखिए, आरू को मिल गया आइसक्रीम बनाने वाला, तो आरू उसको ही पकड़ के बैठ गई है। आरू ने तो आज जबरदस्ती बेड में देख लिया, बेड में सामान निकाल रही थी मैं कुछ, तो आरू ने देख लिया तो निकलवा के माना, मुझे चाहिए आइसक्रीम, चाहिए आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम बनाओगी आरू? बनाना है आपको? मैं बना दूँ आइसक्रीम? अभी थोड़ी गर्मी आने दो, तभी बना दिया करूँगी आइसक्रीम, ठीक है। मैं आरू के लिए लेके आई थी ये स्टैंड, मैंने कहा आरू तो आइसक्रीम मेरी बहुत खाती है। हम मार्केट से लाए थे, हाँ आपने रखा था। और ये आरू का टैडी है, ओली आरू का कितना क्यूट टैडी है। आपकी गुड़िया क्यूट है, टैडी क्यूट है, और मेरी डॉल भी क्यूट है ये वाली। और ये है खरबूज, ये कई दिन हुए इसको रखे हुए, तो मैं अब काटूंगी इसको, आरू को खाना है। आरू खाओगी? कई दिन हो गए, काटने का नंबर नहीं आ रहा था, तो चलिए मैं आज इसको काट ही देती हूँ। तो चलिए, पहले इसको काट के देखते हैं कैसा निकलेगा। वाओ, अंदर से बहुत अच्छा है, रेड रेड निकला है बिल्कुल। देखो कितना बढ़िया खरबूज निकला है। इसके बीज निकाल दें सवार पहले। अरे, इसके बीज कितने हैं पता नहीं, कैसा होगा, मीठा होगा या फीका, कैसा होगा आरू? हाँ? कैसा निकलेगा? मीठा निकलेगा? हाँ। अच्छा, देखते हैं कैसा निकलेगा। बहुत मीठा निकला खरबूज, बहुत अच्छा है, बिल्कुल जैसा सीजन में निकलता है बिल्कुल वैसा ही निकला है, बहुत अच्छा।
आरू कैसा निकला है? मीठा है? आपने खा लिया? खा लिया आरू ने, बहुत अच्छा निकला है। और किस किस को पसंद है खरबूज, तो उसके मुंह में जरूर पानी आ जाएगा। मुझे तो सच बताऊं तो बहुत पसंद है। टैडी खाएगा? टैडी नहीं खाएगा। बहुत अच्छा निकला, बहुत मीठा निकला। और इतना बचा है आरू के डैडी के लिए। क्यों आरू, पापा जी खा लेंगे? इतना रख देते हैं। तो अब चलते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज में क्या रखा है? फ्रिज में से क्या निकालना है मुझे? फ्रिज में से निकालना है मटर। फ्रिज तो हमारा खाली हो चुका है। और आज हम क्या बनाने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए इतनी सारी मटर है। मैं इस मटर को मतलब इसके दाने निकालूंगी। और ये है हरा लहसुन। और देखते हैं आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और ये सेम की फली रखी है तो इसको तो हटाई देते हैं। और करना है मुझे मटर से कुछ काम। तो चलिए मटर से बनाना करते हैं कुछ स्टार्ट। पहले इसके हम दाने निकाल लेते हैं। आरू आप मेरी हेल्प कराओगी? अच्छा आरू हेल्प कराएगी? नहीं, वो सेम की फली है बेटा, उसको नहीं निकालना। ये मटर छीलो। तो देखिए मटर के ये दाने जो हैं वो सब मैं निकाल के रख लेती हूँ। और देखिए मटर मैंने सारे छील लिया है, सारे दाने निकाल लिए हैं मटर के। और ये हरा लहसुन है, इसको कट करना है मुझे। तो आज मैं बनाऊंगी मटर की कचौड़ी, भरवा कचौड़ी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई है तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। चलिए ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको बॉयल होने रख देती हूँ। ठीक है, इसी ओवन में इसको रख देती हूँ। और देखिए जब तक मेरी मटर बॉयल होगी तब तक मैं ये हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन सब कट करके रख लेती हूँ। ये है हरे लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है कचौड़ियों में, और हरे धनिए की भी। तो मैं ये सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ। और देखिए ये हरा धनिया, हरा लहसुन, हरी मिर्च मैंने कट कर लिया है। और मटर भी देख लेते हैं। तो मटर भी मेरी अभी बॉयल अच्छे से नहीं हुई है, 2-4 मिनट में हो जाएगी। और इधर देखिए हम दिखा रहे हैं आलू को। देखिए हमारी आलू ने सब बेड पे खिलौने फैला के डाल दिए हैं। आलू क्या कर रही हो? पापा जी नहीं आ रहे हैं बाहर से? पापा जी आने वाले हैं, बस देखो नीचे बाइक रुकी है, आ गए पापा जी। आलू पापा के लिए परेशान है, आ रहे हैं पापा जी जल्दी। जब तक पापा नहीं आते हैं तब तक आरू बहुत परेशान रहती है। देखो पापा के लिए परेशान है, रो रही है आरू। क्यों रो रही हो? पापा जी आ रहे हैं बेटा, अभी आ रहे हैं। आरू पापा को बहुत प्यार करती हो, पापा की याद आ रही है। अरे ये क्या बना ली? अरे वाओ, बहुत सारी चम्मच है आरू के पास। पापा जी आ रहे हैं, बस अभी आने वाले हैं। बाइक नीचे रुकी है, अभी आ जाएंगे। और देखिए मटर के दाने भी बॉईल हो चुके हैं। तो मैं इसको गैस को कर देती हूँ बंद, और ये निकाल के रख लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। पर क्या है, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, आटा तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए पहले आटा तैयार कर लेती हूँ। तो मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटे में डालूँगी अजवाइन,
और ये सौंफ धनिया का पाउडर है वो इसमें मिक्स कर लेती हूँ। नमक डालूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा डालूँगी सरसों का तेल। आटा लगा लेते हैं। आलू तो क्या है, पापा आ गए तो बहुत खुश है अब। पापा जी आ गए तो खुश हो बहुत। आलू को बाहर जाने को मिलेगा इसीलिए खुश है आलू। छोटा है, थोड़ा गूंदने में दिक्कत कर रहा है। ये आलू तो खुश हो गई, पापा जी आ गए हैं। घूमने जा रही है तुम, खुश हो? चली घूमने। देखिए आटा आटा मेरा लग चुका है तो चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ऑयल ऑयल गरम हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची। फिर डाल देती हूँ इसमें हरा कटा हुआ लहसुन, इसको थोड़ा भूनना है। ये अच्छे से भून चुका है तो इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, और हींग, थोड़ा गरम मसाला। गरम मसाला भी ख़त्म हो गया है। ये सारी चीज़ अच्छे से भून लेते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे मटर, थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। फिर हमें मटर को क्रश करना है क्योंकि इसको फोड़ना है हमें। अगर दाने दाने से रहेंगे तो फिर कचौड़ी जो है हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको क्रश कर लेती हूँ। मेरी मटर जो है अच्छे से क्रश हो चुकी है और मैं थोड़ा ऐड करूँगी इसमें आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ऐड किया है और फिर ऐड कर देंगे हम इसमें हरा धनिया। मसाला तैयार हो चुका है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए हमारा जो मसाला है वो इस तरह से बना है। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। आटा भी तैयार हो गया है, मसाला भी तैयार हो गया है। आरू घूम के आ गई, आ गई, आ गई। घूम आई, कहाँ पे घूम के आई थी? कहाँ पे घूम आई थी? मैं कूलर डाल के आई थी, मटर के छिलके, मटर के छिलके डाल के आई थी। गाय को, गाय को खिला दिया था। अरे वाह, कैमरा चालू कर दे।
इसमें भर गया मसाला, इसको कर देते हैं बंद। कहना है बनाओ बनाओ जल्दी, देखें तुम्हारी कचौड़ी। ये है दो चार बना के रख लेते हैं। ऑयल हमारा हो चुका है, इसमें थोड़ी सी डाले बिल्कुल कचौड़ी। ऐसे नहीं करते हैं क्या? हाँ अरे क्या हुआ आरू को? आरू पापा जी नहीं खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। देखो कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है, देखिए इधर कचौड़ी चालू हो गई। आरू खा रही है, आरू के डैडी खा रहे हैं। खाओ खाओ खाओ, उधर गर्मा गर्म कचौड़ी हो गई चालू और हमारी हमारा भी बनाना स्टार्ट है। तो चलिए बन चुकी हैं मेरी कचौड़ियाँ और देखिए मेरी कचौड़ी बन चुकी हैं। और ये रही मेरी प्लेट, ये है तीखी और मीठी चटनी के साथ मैं खाऊंगी कचौड़ी। सब लोग खा चुके हैं, अब है मेरी बारी। तो चलिए कर लेते हैं खाना, खाना खा लेते हैं। चलिए ठीक है, आप भी खाइए, टाइम भी हो गया है बहुत। ठीक है, और देखिए मैं भी खाना खा चुकी हूँ। और अब देखिए मेरी किचन की कंडीशन क्या है, पूरा किचन फैला हुआ है। तो अब मैं करूँगी साफ़, क्योंकि साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। 8:30 बज गए हैं। तो चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट।